Piling paper, got them talking nice to me. Down the bottle, it be going right through me. Brown baby, down to take a flight to me. They think that I'm stunting, but it's slight to me. Piling paper, got them talking nice to me. Hello guys, स्वागत है एक और नई वीडियो में. आज हम जा रहे हैं फ्रांस. मेरे कुछ फ्रेंच फ्रेंड्स ने मुझे अपने घर फ्रांस में इनवाइट कराया है और उन्होंने अपने साथ मुझे वीकेंड स्पेंड करने के लिए बुलाया है. तो हम जा रहे हैं फ्रांस इसीलिए आज. लेट्स गो. और मज़े की बात यह है कि ना उनको इंग्लिश आती है और ना मुझे फ्रेंच आती है. हम लोग ट्रांसलेटर का यूज़ करके एक दूसरे से बात कर रहे हैं. थोड़े बहुत इंग्लिश के वर्ड्स और सेंटेंस समझ लेते हैं बट तब भी इंग्लिश समझने में उनको मुश्किल होती है. तो ये थोड़ा फ़नी भी होने वाला है मेरे लिए, थोड़ा मुश्किल भी होने वाला है. पर मैंने न्यू एक्सपीरियंस और न्यू कंटेंट के लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए हाँ करा उनको. तो देखते हैं क्या होता है आगे. मुझे इतना आइडिया नहीं है क्या क्या होने वाला है बट लेट्स गो, देखते हैं. आप लोग भी चलिए मेरे साथ. वाह यार, क्या व्यू है. इस व्यू को तो मैं रोज़ अप्रिशिएट करता हूँ और मुझे लगता है मुझे करना भी चाहिए क्योंकि दिस सीन इज़ अनमैच्ड. बहुत ही मतलब सुंदर जगह है यार. Let's go, let's go. If I can be close to you, I settle for the ghost to you. I miss you more than life. Hey. If I can be next to you, तो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ चीज़ें खरीदेंगे. उसके बाद हम लोग शाम के लिए, पार्टी के लिए कुछ खाना और स्नैक्स लेंगे और वहाँ से हम फ्रांस के लिए निकल जाएंगे. सो लेट्स गो. हेलो, इट्स मी वाल्टर. दिस इज माय फ्रेंड मार्क. यस, हाय मार्क, लिटिल फ्रेंची. अभी हम ग्लोबस पहुंच चुके हैं. ग्लोबस सारब्रुकन का सबसे बड़ा सुपरमार्केट है. तो इन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ से डिनर के लिए और पार्टी के लिए कुछ चीज़ें इनको लेनी है. तो देखते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ शॉपिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम फ्रांस के लिए निकल जाएंगे. सो लेट्स सी. और जैसा कि आप देख रहे हो, ये पूरा वाइन और एल्कोहल वाली बॉटल का सेक्शन है. तो जो लोग भी एल्कोहल और वाइन के शौकीन हैं वो ये देख सकते हैं यहाँ पे. तो फ्रांस निकलने से पहले कुछ शॉपिंग हो रही है दोस्तों के साथ. दो वीकेंड जो एंजॉय करने वाले हैं उसके लिए थोड़ा सामान हम लोग ले रहे हैं. सो लेट्स सी क्या होता है. काफ़ी बड़ा स्टोर है, इस स्टोर में मैं खुद पहली बार आ रहा हूँ. एंड वी आर लुकिंग फॉर थिंग्स. ये लोग फ्रेंच बोलते हैं, मेरे को फ्रेंच बिल्कुल भी नहीं आती है, पर काम चला रहे हैं ट्रांसलेटर से, टूटी फूटी इंग्लिश से. पर या तो ये जो सेक्शन है पूरा ब्रेड से भरा हुआ है. जर्मनी है वो पूरे ब्रेड की कंट्री है. यहाँ पे ब्रेड और ये इस तरफ चीज़ की भी इतनी वैरायटीज़ हैं, ब्रेड की भी इतनी वैरायटीज़ हैं, दारू की भी इतनी वैरायटीज़ हैं. तो
यहाँ पे मतलब ब्रेड तो बहुत ज़्यादा खाई जाती है, बहुत पॉपुलर है, बहुत तरह तरह की ब्रेड हैं। और इसी तरह इस सेक्शन में चीज़, ये मीट सेक्शन है। यहाँ पे तो बहुत तरह के मीट मिलते हैं, तो यहाँ से पूरे लेके उस एंड तक पूरा मीट का सेक्शन है। और ये बेकन और जो स्लाइस्ड मीट है वो है। हम अब ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए हैं। ये पूरा कपड़ों का सेक्शन है। अब विंटर का समय है तो जैकेट्स वगैरह ज़्यादा दिखेंगी। वैसे तो यहाँ पे ठंड रहती है, बट अब जैसे 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 ठंड बढ़ती जाएगी, विंटर जैकेट्स वगैरह और जो वूलन क्लोथ्स हैं वो ज़्यादा दिखाई देंगे। उसके बाद मेरी फ्रेंड मुझे अपनी फैमिली से मिलाने ले गई। वहाँ पे अब उसकी आंटी थी और मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि मुझे उसका पेट स्नेक देखना है। तो जो स्नेक था वो काफ़ी हार्मलेस था, मेरा ये पहला इनकाउंटर था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उसके पास एक कैट भी थी जो काफ़ी क्यूट थी। कैट्स, आई लव कैट्स। तो ये जो थी ये पहले दिन की कहानी रही, और आगे की कहानी हम देखेंगे नेक्स्ट डे। लेट्स गो। तो आज हम दो जगह जाएंगे। पहली जगह है ओवराज दू सिम्सरहॉफ। ये एक वॉर बंकर है, काफ़ी बड़ी फैसिलिटी है अंडरग्राउंड, जिसे हम अभी देखने वाले हैं। उसके बाद हम जाएंगे सिटाडेल कासल। ये एक टाउन है जिसका नाम पिच है, काफ़ी वियर्ड नाम है, बट उसके बाद इस कासल को देखने जाएंगे। सो आगे की तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो है यहाँ का बंकर। ये बंकर वर्ल्ड वॉर टू के अबेंडेंट बंकर्स हैं, तो अब इनको टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट कर दिया है। तो लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, जैसे टैंक है, ऐसी कुछ चीज़ें प्रिजर्व करके रखी हुई हैं, जैसे कुछ गन्स वगैरह हैं, तो वो इस म्यूज़ियम के अंदर है। और यहाँ पे जो बंकर है उसका भी टूर दिया जाता है। मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। तो जगह तो बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ जंगल से घिरी हुई है, पूरी ग्रीनरी है। और वहाँ पे जो आप देख रहे हो वो पुराना बंकर है जहाँ पे विज़िट करेंगे हम लोग। और ये पूरा अंडरग्राउंड है, पूरा फैसिलिटी जो भी है उस टाइम की बनी हुई पूरी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ है। तो जो ये बंकर है यहाँ पे अंदर चीज़ रखी हैं ये वर्ल्ड वॉर के टाइम की, तो कुछ म्यूज़ियम टाइप का है। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर पे कैसे ड्रेस हुआ करती थी वो सब है। और उस तरफ हैं कुछ हथियार और असला बारूद जो भी होता है, गोलियां, कारतूस, ये सब है यहाँ पर।
सब कुछ फ्रेंच में लिखा है तो मैं पढ़ के भी नहीं बता सकता एक्चुअली है क्या ये। और ये उस टाइम की मशीन गन्स हैं। तो अभी हम जाएंगे इसके बाद बंकर में। बंकर यहाँ पे जो भी हैं वो हैं पुराने वर्ल्ड वॉर के, तो उनको अब टूरिस्ट प्लेसेस बना दिया है। तो यहाँ पे लोग आते हैं, देखते हैं ये उस टाइम के बम और गोले, टेलीफोन, बैग, वाटर बॉटल। टैंक है एक बाहर पुराना रखा हुआ। ओके, रॉकेट लॉन्चर। एंड अबव इज द मशीन गन, राइट? मशीन गन इट्स हियर। या And here. So this is the output for machine gun, yeah? Yeah. And you have a little on the roof? Roof as well. Normally? Yeah. There is a gun. That is a... No. Scope to look out. You can put a deuce set. Okay. Automatic. Nice. And these are also launchers? Smoke launcher. Yeah, a smoke launcher. And this is? A case, okay. And this is also a case? Yes. Oh. जो फैसिलिटी है वो करीब अंडरग्राउंड 27 मीटर्स अंडरग्राउंड है, और हमारा जो गाइडेड टूर है ये करीब 2 से 2.5 घंटे के बीच में रहेगा। और हमने देखा कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ थी, जैसे बैरक्स, किचन, रेलवे लाइंस, इन्फर्मरी, इलेक्ट्रिक प्लांट, आर्टिलरीज। सो सोल्जर्स के लिए और एक बड़ी ट्रूप के लिए यहाँ पे रहने की सारी फैसिलिटीज़ थी, सेल्फ सस्टेनिंग फैसिलिटीज़ थी। और काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, आप भी अगर कभी इस जगह आने का मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। एक हिस्ट्री की झलक आपको मिलेगी और आप टाइम में पीछे जाके देख सकेंगे कि चीज़ें एक्चुअली में कैसी थी। इसके बाद हम एक फोर्ट देखने गए जिसका नाम है सिटाडेल ऑफ बिच। ये बिच नाम के एक टाउन में है और ये अपने मिलिट्री डिज़ाइन के लिए जाना जाता है, और कहते हैं इसको कॉन्कर करना करीब करीब इम्पॉसिबल था। इसके अंदर एक म्यूज़ियम है, हम म्यूज़ियम के अंदर तो नहीं गए बट हमने पूरे जो कासल का एक चक्कर लगाया और मौसम और सीनरी का मज़ा लिया।
तो ये था मेरा फ्रांस का ब्लॉग। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और मैं आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा, आपके लिए नया कंटेंट लाता रहूँगा जहाँ भी मैं ट्रैवल करूँगा या जो भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस रहेंगे। तो आगे अब मैं वीडियो में आपको कुछ सीनिक विजुअल्स के साथ आपको यहीं छोड़ के अलविदा कहता हूँ और आपसे मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। Look at this perfection. Your chicken is ready to get out, man. How's it? Heaven, bro.